हेलो हाय, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो फिर के चलते हैं बेसिक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में। हम आपको सभी को बताते हैं सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं और किस तरह से अपन यूज़ किए जाते हैं एंड इसका क्या क्या तरह से होते हैं। फिर ऊपर खैर अपन आते हैं बेसिक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। पहले देखते हैं अपन टिश्यू कटर, इसको मोनोपोलो कोट्री बोला जाता है। और सेकेंड ग्रास पैकिंग, यह एडिसन फोर्सेप्स नॉनटूट फोर्सेप कहा जाता है। इसको यंकुर सक्शन सक्शन अथवा एस्पिरेशन के लिए यूज़ किया जाता है, जो सक्शन करने के लिए माउथ के अंदर किया जाता है। ब्लीडिंग के लिए और लेपेटोमी, बहुत सारे डिफरेंट टाइप सर्जरीज के लिए यूज़ किया जाता है। क्लैंपिंग द अकॉर्डिंग, इसका ये है मस्टर्ड क्लिप्स होता है, जिसमें अंदर इसके मेन पॉइंट पे क्लिप से अपन 200 या 100 mm की क्लिप्स आती है, इसमें होल्ड करके ब्लेड बेस से इसको क्लिप किया जाता है। और सेकेंड आते हैं अपन इस पर प्रोपेंड डायलेटर्स, इसमें INDI में इसको किया जाता है डायलेटर्स को। वह है सूचिंग और स्टेपलिंग, इसको स्किन स्टेपलर भी कहा जाता है, इसको सूचर की जगह पर स्टेपलर भी किया जाता है। सिंपल है, आता है डिसेप्टिंग फोर्सेप्स कटिंग सीजर है, जो कि अपन सिंपली अपन सूजा कटिंग के लिए यूज किया जाता है। और डिटेक्टर एक्सपोजर है, और यह कसकस फॉर स्कोप है, फोर्सेप्स है, जो कि अपन IBM में ओबीस को इम्प्लांट कर फर्टिलाइज क्या बोलते हैं IVF को स्पर्म को इंजेक्ट करते हैं यूट्रस में, वो अंडास को, उसके लिए अपन इसको यूज किया जाता है। INDI द डायलेटेड क्यूरेटिव में इसको बेसिकली यूज किया जाता है। यह मोनोपोलर कोटरी, बेसिकली इसको कोगुलेट ब्लड वेसल्स को कटिंग एंड द कोगुलेट करने के लिए यूज किया जाता है। बेसिकली पहला ब्लू होता है जो कोगुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है, येलो है जो कटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। आते हैं अपन, यह है हमारी सिंपली कोटरी मशीन। इसमें यहाँ पर बाइपोलर मोनोपोलर कोटरी प्लेट स्विच ऑन, इस तरह से अपन मशीन होती है, जो कि अपन यहाँ से अपन ये 80 और 120 और 200 देख रहा है, क्योंकि इसमें कटिंग कोगुलेट के लिए अपन बढ़ाया जा एक्चुअली अपन 35 या 40 के अप्रोक्स अपन यूज किया जाता है बेसिकली। एंड जो ये प्रोसीजर होती है, इस टाइप से अपन को करंट की सप्लाई, जो कि कोगुलेट कटिंग के लिए कितना चाहिए, तो उस हिसाब से अपन कम ज़्यादा कर सकते हैं। चलो फिर खैर आगे चलते हैं। यह मोनोपोलर कोटरी के कुछ पॉइंट्स हैं, जो कि बेसिकली अपन को सर्जरीज हैं कहाँ कहाँ कौन से पार्ट की करना है, INDI ऑर्थो सर्जरी लेपेटोमी टाइम, तो उसके तरह से अपन उसके पॉइंट चेंज कर सकते हैं जो लगे तो कर सकते हैं। मोनोपोलर कोटरी यह हार्मोनिक स्केल पेट्स है, जो कि यह हार्मोनिक मशीन्स जो कि पहले ऊपर का हैंड पीस, बेसिकली ये भी कोटरी का ही काम करता है, जो बेसिकली इसको लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में किया जाता है, जो कि लेप को लिए अंदर टीपी या अपेंडिक्स में बेसिकली यूज किया जाता है। हॉलस्टन फोर्सेप, जो मॉस्किटो आर्टरीज होती हैं, जो ब्लड वेसल्स को होल्ड करने के लिए किया जाता है, ब्लड वेसल्स को किया जाता है। और है यह कैली फोर्सेप, जो आर्टरी मॉस्किटो अकॉर्डिंग थोड़ी बड़ी आर्टरीज होती हैं, स्ट्रेट आर्टरी और कर्व आर्टरी, इसके भी फिक्स साइज मायो आर्टरीज भी होती हैं, जो कि इसकी साइज बड़ी होती हैं। चलो कैली फोर्सेप्स हैं, जो कि बेसिकली इसको क्लैंपिंग के लिए यूज़ किया जाता है, ब्लेडर्स को भी होल्ड करने के लिए किया जाता है, ऐसे स्टेटो कर्व भी इसमें भी पाया जाता है। कैली फोर्सेप्स 4 सेंटीमीटर अंदर पियर्स द फोर्सेप्स 1 सेंटीमीटर
चिनचैड फोर्सेप्स सिकली माइस आर्टरीज के बारे में बता देते हैं। ये डिफरेंट टाइप्स की आर्टरीज हैं। माइस आर्टरी मीडियम मीडियम उससे भी थोड़ा बिग साइज। टोनसिल एडसोन डिफरेंट टाइप्स की क्लिपिंग ब्लड वेसल्स के लिए पाउंड को होल्ड या टोनसिल या स्पंज होल्डर है तो टाइप द स्पेस किया जाता है। यह मिक्सड फोर्सेप्स मिस्टेड को वन वेरिकोज बने टाइप पर जैसे अपेंडिक्स को होल्ड करने के लिए डिफरेंट टाइप्स के यूज किए जाते हैं, जिसको गॉल ब्लैडर को भी सीबीडी एंड द सिस्टिक आर्टिस्ट को भी इसको डिसेक्ट करने के लिए पर को इसका बेसिकली यूज किया जाता है। क्लैंप डिसेक्ट इन द कॉर्डिंग माइस सीजर सीजर कटिंग के लिए काम बेसिकली किया जाता है। कर्व माइस सीजर से जो भी ये सीजर कटिंग के लिए काम के लिए यूज किया जाता है। कटिंग डायलेटर इन द डीप टिश्यू डीप के अंदर टिश्यू होता है इसको अपन कटिंग करने के लिए यूज किया जाता है बेसिकली। सीजर्स लिस्ट सीजर्स ये है इसको बेसिकली LSCS के दौरान नॉर्मल डिलीवरी के दौरान इसको सीजर का बेसिकली यूज किया जाता है। बच्चे नॉर्मल डिलीवर में वेजाइना सर्विस के थ्रू आउट आता है पेशेंट को तो इसको अपन सीजर से अपने वेजाइना के थ्रू अपन थोड़ा इंसीजन कट करते हैं। वायर सीजर्स इसको वायर को कटिंग करने के लिए किया जाता है। बियर हैवी यह हैंडल थी नाइफ का हैंडल है जो कि 11 15 12 के नाइफ अपन इसमें बेसिकली यूज कर सकते हैं। यह लॉन्ग थी नंबर नाइफ हैंडल इसमें लिखा होगा 10 11 12 15 ब्लेड्स का अपन बेसिकली की जाता है। यह 7 नंबर नाइफ हैंडल जो कि अपन बेसिकली अपन इसको हैंडल को अपन स्पाइन सर्जरी में बेसिकली यूज करते हैं वो जो आपको बेटर लगे वो सभी अदर सर्जरी इसमें अपन बेसिकली यूज कर सकते हैं। इसमें भी 10 11 12 15 का ब्लेड्स का अपन इसमें फिक्स किया जाता है। यह ब्लेड्स 10 नंबर 11 इस ब्लेड्स को भी डिफरेंट टाइप का अलग अलग कौन सी इंजन कहाँ पर किस तरह से देना है जो कि सिंपली सर्जरी जो अपन कोई भी एक्सपोज करने के लिए इंसिजन मारने के लिए किया जाता है जो कि जैसे हर्निया एपिगेस्टिक हर्निया अम्बिलिकल हर्निया इनवाइनल हर्निया एंड द अपेंडिक्स बेसिकली सिंपल सर्जरी जो इंसिजन 2-5 सेंटीमीटर के अंदर इंसिजन लिया जाए इसको अपन सिंपली इस ब्लेड को यूज किया जाता है। ये द टिप पॉइंट जिसको लैप्टोस्कोपिक द पोर्ट के लिए इंसिजन करने के लिए यूज किया जाता है। फर्स्ट एप्सिस वगैरह इसके लिए ब्लेड्स का यूज किया जाता है। यह ब्लेड्स इसको भी टोनसिल इसको ENT में भी यूज किया जाता है। ब्लेड्स को बेसिकली ज़्यादातर इसको पेडियाट्रिक प्लास्टिक सर्जन्स इसको बेसिकली करते हैं। हर्निया में भी इंसिजन के लिए और डिफरेंट यूजेस हैं इसको किया जाता है। यह 4 नंबर का हैंडल 20 21 22 24 25 ब्लेड को अपन इसमें होल्ड करने के लिए ब्लेड्स के नाम लिखे हुए हैं इसमें लुप कनेक्ट होती है। 20 बीएस हैंडल ब्लेड्स ब्लेड हैंडल्स कॉन्टेक्ट प्रोब्स यह है एडसन डिसेक्टिंग फोर्सेप एडसन नॉन टूट वैस्कुलर फोर्सेप्स पहला है यह है नॉन टूट फोर्सेप्स। सेकेंड है टूट फोर्स टूट एडसन फोर्सेप्स यह है वैस्कुलर वैस्कुलर द ब्राउन एडसन टिश्यू फोर्सेप्स भी बोला जाता है जिसमें प्लान फोर्सेप्स या टूट फोर्सेप्स ए प्लान फोर्सेप्स टिश्यू फोर्सेप्स वैस्कुलर फोर्सेप्स है बेसिस के लिए अपन बेसिकली यूज करते हैं ग्रास्पिंग द टिश्यू। यह सिंगल टाई टिश्यू फोर्सेप्स टॉन्सिल इसको टंग को भी यूज करने के लिए किया जाता है बेसिकली इसको होल्ड करने के लिए भी यूज बेसिकली करते हैं अपन इसको।
टिश्यू फोर्सेस ग्रास्प द टिश्यू टिश्यू मसल्स इन द बोन को होल्ड करके अपन प्रोटेक्ट किया जाता है। दैट इज इन द एनदर क्वेश्चन टिश्यू फोर्सेस। चलो फिर चलते हैं, फिर अगर आपको नेक्स्ट पार्ट में बताते हैं आपको बेसिकली सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में।